हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सबसे न्यूज। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सब टीवी के वन ऑफ द पॉपुलर शो मैडम सर के बारे में। तो जितने भी लोग जो सब टीवी के शो मैडम सर को देखते हैं या इस शो के फैंस हैं, उनके लिए है बैड न्यूज। भाविका शर्मा जो शो में वन ऑफ द लीड प्ले करती है, संतोष शर्मा का कैरेक्टर प्ले करती है, अब वो शो को करने वाली है क्विट। जी हाँ, भाविका शर्मा जो शो के वन ऑफ द लीड्स में से थे, शो में उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब उन्होंने शो को कर दिया है क्विट। रीजन के बारे में बात करें तो वो एज एन एक्टर ग्रो करना चाहती थी, मूवीज वेब सीरीज में काम करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, तो इसीलिए वो इस शो को क्विट कर रही है। तो जब उन्होंने ये डिसीजन मेकर्स को कहा तो मेकर्स भी उनसे एग्री किए। वैसे मेकर्स तो नहीं चाहते थे कि वो शो को क्विट करे, क्योंकि वो वन ऑफ द लीड्स थी शो में, उनके कैरेक्टर को ऑडियंस देखना काफी ज्यादा पसंद करती थी, शो में उनका कैरेक्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। भाविका शर्मा का ये भी कहना है कि अगर मैं शो छोड़ भी दूँ तो फिर भी जो है जितने भी मेरे फैंस है वो मैडम सर शो को देखे, इस शो को सपोर्ट करे। एंड मैडम सर शो के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि हाल ही में एक न्यू स्टोरी को इंट्रोड्यूस किया गया था, चिंगारी गैंग को लेके आया गया था, कुछ न्यू एक्ट्रेस को शो में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टोरी में काफी चेंजेस लेके आया गया था। एंड मैडम सर शो का टीआरपी जो 0.4 में गिर चुका था वो 0.5 हो चुका था, लेकिन अब भाविका शर्मा ने भी शो को क्विट कर दिया है, तो अब आने वाले टाइम में डेफिनेटली हमें शो के टीआरपी में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। सो अभी ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि शो के मेकर्स कौन से न्यू कैरेक्टर को लेके आते हैं, एंड भाविका शर्मा यानी संतोष शर्मा के कैरेक्टर को कैसे एंड करते हैं। वैसे भाविका शर्मा ऑलरेडी शो के लास्ट एपिसोड को शूट कर चुकी हैं। सो ये था वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोग भाविका शर्मा के इस डिसीजन से खुश हैं या नहीं, एंड आप लोग कितने सैड है उन्होंने शो को क्विट कर दिया है। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। आपसे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय।